नमस्कार, मेरा नाम शिव प्रसाद रेड्डी। मेरा गांव का नाम तंगुटूर एंड डिस्ट्रिक्ट इज नंदियाल आंध्र प्रदेश। 20 साल का उम्र में ये कलंकारी मैंने शुरू किया था। मेरा उम्र है 67 ईयर्स है और मेरे 10 साल तक मेरे की इच्छा है कलमकारी करने के। अभी मैं कलमकारी कपड़े तैयार करने के प्रोसेस मैं बता रही है। सबसे पहले एक इधर लोकल का कपड़े के नाम कोला कपड़ा बोलते हैं, नाइस स्मूथ कॉटन वाला लेते 3x4 मीटर के वास्ते ये डिप करने का कपड़ा है। ये कपड़ा लेके एक बकेट में पानी भर के छोड़ दो, एक रात तक छोड़ दो कपड़े को। छोड़ने के बाद सुबह क्या करना, उसको निकल कर लाइटली वॉश करके एक बर्तन में लेके उसको उबालना है। आधा घंटा तक उबालना है कपड़े को। उबालने के बाद कपड़ा निकाल के फिर वॉश करना है कपड़े। जब इसमें स्टार्च रहता वो स्टार्च से पूरा निकल जाता, गर्म पानी में वॉश किया ना, कपड़ा जब साफ हो जाता वो तो तैयार करके रख लेना है। इसके बाद हल्दी लेना है, एक पत्थर से छोटा छोटा उसको थोन लेना है। इसमें बीज रहता, बीज निकल देना है। ये छिलका रहता ना, हल्दी का छिलका, उसको एक 3x4 मीटर के लिए 150 ग्राम हल्दी लेके उसको एक मग में डाल के ज़्यादा पानी नहीं, हल्का पानी भरना है। इसके बाद पूरा रात तक उसको छोड़ना है। रात के सुबह क्या करना, नेक्स्ट डे उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए जूस निकलता, वो जूस में पतला कपड़े से जूस निकलना है, फिल्टर करना है। वो फिल्टर करने के आने के बाद ये जूस में 1/4 लीटर दूध मिलाना है। 22 ग्राम बफेलो का दूध मिक्स करना है। और गाय का मिल्क भी यूज कर सकते हैं, इसमें फैट ज़्यादा नहीं रहता। फैट इम्पॉर्टेंट है इसमें। फैट के लिए बफेलो का दूध यूज करते हैं, कच्चा दूध यूज करना है, बॉयल नहीं करना। दूध मिलाने के बाद टोटल सॉल्यूशन में सफ़ेद कपड़ा तैयार करके रख लिया ना, वो कपड़े उसमें डुबाना है, अच्छा शेक करना है। वो ओनली 5 to 10 minutes ऐसा स्क्वीज करना है। स्क्वीज करके कपड़े को सुखाना है। जब सफ़ेद कपड़ा येलो लाइट येलो दिखता, दैट इज द रेडी फॉर कलमकारी वर्क। कलमकारी में कलर बनाने के लिए मैं पहले बता देंगे। कलमकारी कलर्स में सबसे पहले कपड़े के ऊपर ब्लैक कलर से शुरू करना है। ब्लैक कैसा तैयार करेंगे मैं बोल देंगे। सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन लेने के बाद इसमें 6 लीटर पानी डालना है। इसमें वो हाफ के जी गुड़ छोटा छोटा टुकड़े करके मिक्स करना है। और क्या करना है, इसमें रस्टेड आयरन पीसेस पुराना लोह का टुकड़ा उसको 2 किलो तक लेके ये पॉट में मिलाना है। उसके ऊपर ढक्कन लगा के 20 दिन ऐसे छोड़ना है। 20 दिन के बाद लोह के टुकड़ा निकलना है। जब दैट कलर इज रेडी फॉर यूज टू कलमकारी पेंटिंग वर्क ब्लैक कलर, इसको एक्सपायरी डेट नहीं रहता, आराम से एक मग में कलर लेके काम शुरू कर सकते हैं। कपड़े के ऊपर शुरू करना है। मैंने आपके लिए रेट कैसा करना है मैं बता देंगे। लाल कलर के वास्ते ये फिटगिरी लेना पड़ता है, आलम 200 ग्राम लेना है। आलम पाउडर मिक्स करना है पानी में। मिक्स करने के बाद थोड़ा हल्दी हल्दी मिल जाता है, इसको थोड़ा मिक्स करना है। ये दाने तो थोड़ा लाइट कलर दिखता, लाइट येलो कलर जैसा दिखता। वो सोल्यूशन ये कपड़े के ऊपर जो
जो स्थान पे आप अपने को लाल कलर चाहिए उधर ही ये बैम्बू कलर से अप्लाई करना है। पूरे वन होने के बाद डिजाइन के ऊपर एक सुखाना है कपड़े को। सुखाने के बाद इसको फ्लोइंग वाटर में फ्रेश वॉश करना है। वॉश करने के बाद कपड़े सूखने के बाद वो अलग रख के और एक काम करना है, हमारे एक बर्तन लेना है। बर्तन लेके इसमें पानी डालना और इसमें मंजिष्ठा मिलाना है, मंजिष्ठा पाउडर। थोड़ा गर्म होने के बाद पानी उसमें कपड़े को दोबारा डिप करना है। डिप करके अच्छा तरह से वो गर्म करे तो हमने फिटकरी का सोल्यूशन अप्लाई किया था उधर ही लाल आ जाता, वो लाल कलर आपको दिखता। गर्म होने के बाद इसे निकलना है, निकल के साफ करे तो ये लाल कलर हो गया था। मैंने येलो कलर के बारे में बोल दिया आपको। येलो कलर सबसे पहले हल्दी का फूल लेना है। हल्दी का फूल लेके इसको थोड़ा छोटा थोड़ा टुकड़ा करना है, टुकड़ा करके रखना। बाद में क्या करना, पानी लेना है 1:3, 1 पॉट इज हल्दी फूल का टुकड़ा, 3 पॉट इज वाटर, वो दोनों में इसके डाल के उबालना है। उबालने के बाद निकल के ये जूस थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये जूस निकलता है। जूस को फिल्टर के एक मग में फिक्स करना पड़ता है। फिल्टर करने के बाद इसमें थोड़ा फिटकरी का पाउडर डालना है, जब यूज कर सकते हैं। अभी आपको फाइनल कलर का कलमकारी में ब्लू बता सकते हैं। अच्छा, कम से कम ओरिजिनल इंडियो ब्लू केक्स रहता, इंडियो ब्लू केक्स लेके ये कुछ छोटा छोटा टुकड़ा करके ये पतला कपड़े में लेना है। कपड़ा लेने के ये कपड़े को पानी में हाथ पकड़ के रब करना, हाथ से रब करें तो ओरिजिनल कलर निकल जाता है पानी के अंदर। एक बक में लेके इसको कलमकारी कलम से डायरेक्ट यूज करना है। ग्रीन कलर चाहिए कपड़े के ऊपर कलमकारी में, सबसे पहले येल्लो यूज करना है। येल्लो यूज करने के बाद, वॉश करने के बाद, सूखने के बाद जब येलो के ऊपर ब्लू करे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है।